फेक न्यूज पर सरकार के यूटर्न के बाद अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कमेटी गठित की। कमेटी के संयोजक सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा आपकी विचारधारा दलित और अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकती। देश में मूर्ति तोड़े जाने का सिलसिला जारी, मध्य प्रदेश में दो जगहों पर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, तीन वरिष्ठ जजों की बेंच से सुनवाई की अपील की। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन संजीता चानू ने दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया तो दीपक लाठेर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, चार मेडल्स के साथ भारत तीसरे पायदान पर पहुंचा। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु के त्रिची में किसानों ने खुद को गले तक रेत में दफन किया। काले हिरण के शिकार मामले में दोषी करार सलमान खान आज भी जेल में रहेंगे, जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला आएगा। एक और दलित बीजेपी सांसद नाराज, इटावा के सांसद अशोक दोहरे ने भारत बंद के दौरान दलितों पर हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 24 घंटे के अंदर दो सांसदों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज से 3 दिवसीय भारत के दौरे पर, पद संभालने के बाद ओली की पहली विदेश यात्रा।